गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव डिस्कस अबाउट द किंगडम प्लांटी। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द किंगडम एनिमल। द किंगडम एनिमल इज बेसिकली अबाउट द एनिमल सेल, द ऑर्गेनिजम्स विच हैविंग एनिमल सेल्स। मेन जो एनिमल किंगडम है उसके अंदर हम बेसिकली उन ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करेंगे जो एनिमल सेल से बने हुए होते हैं। प्लांट किंगडम में हमने प्लांट सेल के से जो बिल्डअप थी बॉडी प्लांट्स की, उसको स्टडी किया था। तो इसमें फर्स्ट है कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस, कि फर्स्ट हम यहाँ कुछ क्राइटेरिया हैं एनिमल किंगडम के अंदर क्लासिफाई करने के। तो फर्स्ट जो लेवल है या जो क्राइटेरिया है, दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि बॉडी कैसे ऑर्गेनाइज है, सिंगल सेलुलर है, मल्टी सेलुलर है। अगर मल्टी सेलुलर है तो किस टाइप की बॉडी है, सेल्स कैसे अरेंज हैं। तो इसमें जो फर्स्ट है, दैट इज सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल का मतलब है कि बॉडी में भी मल्टी सेलुलर, कि बॉडी है वो मल्टी सेलुलर हो सकती है, लेकिन सिंगल सेल ऑफ द मल्टी सेलुलर बॉडी परफॉर्म ए यूनिक फंक्शन एंड सेपरेटली। कि अगर बॉडी मल्टी सेलुलर भी है तो उसमें हर सेल का अपना अपना काम होगा। मीन्स वो सारी सेल्स कंबाइन होकर कोई फंक्शन को परफॉर्म नहीं करेंगी, सभी सेल्स का अपना यूनिक फंक्शन है। जो इस टाइप का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पोरीफेरा के अंदर, जो फाइलम पोरीफेरा है जिसको हम फर्दर क्लासिफिकेशन में स्टडी करेंगे, उसके अंदर होता है। तो फर्स्ट जो एग्जाम्पल है, दैट इज स्पॉन्ज। कि स्पॉन्जेस के अंदर, पोरीफेरा के अंदर जो सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। सेकंड है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो, अब जो ऑर्गेनाइजेशन का लेवल था, अब वो सेल से टिश्यू के अंदर डेवलप हो गया है। कि फर्स्ट सेलुलर था, अब वो टिश्यू के अंदर है, जहाँ पे सेल्स कंबाइन होकर क्या फॉर्म कर रही है, टिश्यू। इन सिलेंट्रेट्स, सिलेंट्रेट्स सेकेंड फाइला है एनिमल किंगडम का, जिसके अंदर टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। सिलेंट्रेट्स के अंदर हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे जो आएंगे, वो सिलोम्स होंगे। कैविटी प्रेजेंट होती है, नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होता है। थर्ड है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि अब जो टिश्यू है वो कंबाइन होकर किसको फॉर्म कर रहे हैं, ऑर्गन को। जैसे प्लेटी हेलमिंथस के अंदर क्या होता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि यहाँ अभी भी ऑर्गन सिस्टम नहीं है। ओनली ए ऑर्गन परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, अनदर ऑर्गन स्पेसिफिक जो है किसी फंक्शन के लिए उसको परफॉर्म करेगा। सिर्फ ऑर्गन सिस्टम नहीं है यहाँ पे कोई भी, हर ऑर्गन अपना अलग अलग काम करेगा। नेक्स्ट वन है ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल, जो है वो ऑर्गन सिस्टम है कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स फॉर्म ए सिस्टम। जैसे हमारी बॉडी के अंदर होता है, जैसे सर्कुलेशन सिस्टम है तो उसके अंदर हार्ट भी है, वेसल्स भी हैं। अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन की, तो वहाँ ब्रेन है, नर्व्स हैं, स्पाइनल कॉर्ड है। मैं एक अदर एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे इसके अंदर अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें, तो हमारी बॉडी के अंदर तो रेस्पिरेशन सिस्टम में अलग अलग चीज़ें हैं। वहाँ भी ब्लड वेसल्स का यूज़ होगा, वहाँ पर ट्रेकिया है, माउथ कैविटी है, नेजल कैविटी है, लंग्स हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स हैं, अब वो कंबाइन होकर सिस्टम बना रहे हैं। तो इस टाइप का जो ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है वो आपको मिलेगा एनिलीड्स, आर्थ्रोपोडा के अंदर, कि ऑर्गन हैज एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शन सिस्टम्स विद स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन। कि जो ऑर्गन्स हैं वो स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल एक्शन को परफॉर्म करने के लिए वहाँ एसोसिएट होती हैं। एनिमल टू एनिमल इसमें वेरिएशंस होती हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटी हेलमिंथस हैज ओनली वन ओपनिंग। वन ओपनिंग का मतलब यहाँ माउथ और एनस जो है वो कॉमन है, इसलिए हम यहाँ बोल रहे हैं प्लेटी हेलमिंथस हैविंग वन ओपनिंग इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बात करें, क्वाड्रेट्स के अंदर, मैमल्स के अंदर, तो यहाँ पर दो ओपनिंग है डाइजेस्टिव सिस्टम की, माउथ एंड एनल। तो ये वेरी करता है सिस्टम टू सिस्टम, या हम कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म के अंदर ये वेरी करेगा। ये तो बात थी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। डिफरेंट क्राइटेरिया हैं इसके अंदर, जैसे बॉडी कैविटी, बॉडी की सिमेट्री,
तो हम अब डिस्कस करेंगे। और देखो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन कि एनिमल बॉडी का हमें इंट्रोडक्शन करेंगे। एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट। होल लिविंग वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स या वी कैन से एनिमल किंगडम इज क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स और उनको हम बोलते हैं कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट। कॉर्डेट का मतलब होता है नोटोकॉर्ड। अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हैं तो दे आर नोन एज कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स में वो एबसेंट होगा। कॉर्डेट्स हैव नोटोकॉर्ड एंड नॉन कॉर्डेट्स हैव नोट ए नोटोकॉर्ड। कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो वो कॉर्डेट, अगर एबसेंट है तो नॉन कॉर्डेट। नोटोकॉर्ड क्या होता है? देखो जो हमारी बैकबोन होती है उसके अंदर एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट्स नोन एज नोटोकॉर्ड, जो फर्दर हायर कैटेगरी में आने के बाद वर्टिब्रेट कॉलम से रिप्लेस हो जाता है। नोटोकॉर्ड इज ए रोड लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ टाइटली पैक्ड वैक्यूलेटेड सेल्स विच रन अलोंग द मिड डोर्सल लाइन। देखो डोर्सल बैक साइड होती है, फ्रंटल साइड को हम एंटीरियर बोलते हैं, एंटीरियर एंड सॉरी वेंट्रल साइड, और एंटीरियर अपर पार्ट जो बॉडी का फेस है उसकी तरफ, और जो बैक साइड होती है उसको बोलते हैं डोर्सल साइड। तो डोर्सल साइड पे एक टाइटली पैक्ड वैक्यूलेटेड सेल्स, टाइटली पैक्ड जो सेल होंगी वो टाइटली पैक होंगी, देयर इज नो गैप बिटवीन देम, और उसके अंदर वैक्यूलेटेड मीन स्पेस होगा। रन अलोंग विद द मिड डोर्सल लाइन, कि जो मिड डोर्सल लाइन है बैकबोन के सेंटर में जहाँ हमारा वर्टिब्रेट कॉलम प्रेजेंट होता है उसको, उसके अंदर वो रन करेंगे। अब देखो जो एनिमल्स शोइंग ए वर्टिब्रेट कॉलम, जिनके अंदर वर्टिब्रेट कॉलम होता है, जो वर्टिब्रा है उसका एक कॉलम होगा, दैट्स नोन एज वर्टिब्रेट कॉलम, और उनको हम बोलेंगे वर्टिब्रेट्स। बेसिकली नोटोकॉर्ड जो है वो फर्दर रिप्लेस हो जाएगा वर्टिब्रेट कॉलम से। अगर वर्टिब्रेट कॉलम प्रेजेंट है तो दे आर नोन एज वर्टिब्रेट्स। अगर वो एबसेंट है, जैसे यहाँ पे एनिमल नॉट हैविंग ए वर्टिब्रेट कॉलम कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स। ये क्लासिफिकेशन है आगे फर्दर। अब यहाँ पे एक आइडिया है, देर इज अबाउट 1.2 मिलियन, मीन्स लगभग इतनी स्पीशीज जो हैं, 1.2 मिलियन स्पीशीज जो हैं शो ए ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, कि एनिमल किंगडम के अंदर जो 1.2 मिलियन स्पीशीज हैं वो सभी अलग अलग हैं। उनके अंदर कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज़ भी हैं, कुछ डिससिमिलरिटी भी हैं। सो दे शोइंग ए ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, डाइवर्सिटी मतलब होता है चेंज, ए डिफरेंस। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन अबाउट द एनिमल किंगडम एंड देयर क्राइटेरिया ऑफ द क्लासिफिकेशन। इन नेक्स्ट अब जो हम इसके बाद जो है हम अलग अलग लेवल्स को स्टडी करेंगे, अलग जो लेवल्स हैं जिनके यहाँ पे हम एनिमल्स किंगडम को क्लासिफाई करेंगे। कि बॉडी स्ट्रक्चर का हमने पढ़ लिया कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब हम पढ़ेंगे बॉडी कैविटी एंड बॉडी सिमेट्री। सो फर्स्ट इसमें क्राइटेरिया, नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है उसमें है नंबर ऑफ जर्म लेयर्स। नंबर ऑफ जर्म लेयर, देखो जर्म लेयर्स का मतलब होता है जर्मिनेशन, कि बाई विच द बॉडी जर्मिनेट विच हेल्प इन टू द बॉडी डेवलपमेंट। कि जब जाइगोट बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन तो वहाँ पे जाइगोट के अंदर जो सेल्स डिवाइड होंगी, मोरूला बनेगा। मोरूला बनने के बाद, मोरूला एक 16 सेल स्टेज होती है, उसके बाद बॉडी है वो जो जाइगोट का जो स्ट्रक्चर है वो तीन जर्म लेयर्स में डिवाइड हो जाता है। एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बिगिन्स लाइफ एज ए सिंगल सेल। की जो लाइफ है वो कहाँ से स्टार्ट होगी? जाइगोट से स्टार्ट होगी। जाइगोट डिवाइड होगा मल्टीपल टाइम्स टू फॉर्म ए मास ऑफ सेल्स, कि बहुत सारी सेल्स का एक ग्रुप बन जाएगा। अब ये जो मास है वो दो से तीन लेयर, कुछ स्पीसीज में दो लेयर प्रेजेंट होंगी, कुछ में थ्री, वो अलग अलग स्पीसीज टू स्पीसीज वरी करता है। टू और थ्री लेयर्स कॉल्ड जर्मिनल लेयर्स, कि उन मास ऑफ सेल्स से जो लेयर्स बनेगी दैट्स नोन एज जर्मिनल लेयर्स। देखो अब इसमें फर्क है कि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल,
दिस वन डाई मीन्स टू, प्लोब्लास्टिक एनिमल्स मीन यहाँ मतलब लेयर्स, मीन्स द एनिमल्स विच पॉजिज टू लेयर्स, एक सबसे बाहर वाली एक सबसे अंदर वाली, टू लेयर्स आउटर एक्टोड्रम एंड इनर एंडोड्रम सेपरेटेड बाई मिजोग्लिया। देखो बाहर वाली लेयर और अंदर वाली लेयर के बीच में एक पाउच लाइक मतलब एक मेम्ब्रेन की तरह ही होता है बट नॉट ए ट्रू मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं मिजोग्लिया। अगर वो प्रजेंट है तो वो एनिमल होंगे डिप्लोब्लास्टिक, मीन्स डिप्लोब्लास्टिक आर दो एनिमल्स विच हैविंग टू जर्म लेयर्स एक्टोड्रम एंड एंडोड्रम। देखो ड्रम का जो मैंने कहा डी आर एम, ये बहुत स्किन के लिए यूज किया था, एंडो मतलब इनर साइड और एक्टो मीन्स आउट साइड कि बाहर वाली लेयर और अंदर वाली लेयर अगर प्रजेंट हैं दैट्स नोन एज डिप्लोब्लास्टिक। जैसे नाइडेरियंस के अंदर होता है डिप्लोब्लास्टिक। नेक्स्ट है ट्रिप्लोब्लास्टिक कि ट्रिप्लो मीन्स ट्राई मीन्स थ्री, अगर थ्री लेयर्स प्रजेंट हैं एक्टोड्रम मेजोड्रम एंड इनर एंडोड्रम। देखो सबसे बाहर वाली एक्टोड्रम, सबसे अंदर वाली एंडोड्रम और इन दोनों के बीच में जो प्रजेंट होगी दैट इज मेजोड्रम की मिडल लेयर, अगर ये तीनों लेयर प्रजेंट हैं तो दैट्स नोन एज ट्रिप्लोब्लास्टिक। हमारी जो क्लासिफिकेशन है मैमल्स विच आर क्लासिफाई अंडर कोडेट्स द फाइलम कोडेट ऑफ द एनिमल किंगडम वी आर ऑल्सो ट्रिप्लोब्लास्टिक, हमारे अंदर भी तीन लेयर्स होती हैं और यहाँ पे जो कॉमन एग्जाम्पल लिया हुआ है वो फाइलम प्लेटी हेलमिंथस का लिया हुआ है। नाइडेरियंस आर डिप्लोब्लास्टिक, प्लेटी हेलमिंथस आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। दिस इज द डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। देखो यहाँ जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर सबसे आउटर लेयर ये वाली लेयर, इट इज द एक्टोड्रम दैट इज कलर्ड बाय ब्लू इन द बोथ डिप्लो एंड ट्रिप्लो। आफ्टर दैट द ग्रेस कलर द लाइट ब्लैक कलर इट इज मिजोग्लिया। सो देखो यहाँ डिफरेंस क्या है कि बोथ सेंटर में कैविटी है दैट्स नोन एज डाइजेस्टिव कैविटी। उसके बाद अगर हम बाहर से अंदर तरफ चल रहे हैं तो दिस वन इज आउटर लेयर दैट इज एक्टोड्रम। आफ्टर एक्टोड्रम हेयर इन ट्रिप्लोब्लास्टिक ए अनदर लेयर विच इज कल हेयर शोन बाय ऑरेंज दिस वन, ये वाली जो लेयर है दैट्स नोन एज मेजोड्रम। बट इन द केस ऑफ डिप्लोब्लास्टिक दिस लेयर इज एबसेंट, सो वी कैन से द मेजोड्रम हेयर एबसेंट। अब यहाँ अगर मेजोड्रम एबसेंट है तो उसकी जगह रिप्लेसमेंट किससे हुई, जो रिप्लेसमेंट होगी वो मेजोग्लिया से होगी। मेजोग्लिया इट इज ए अर्लियर फॉर्म ऑफ मेजोड्रम कि मेजोड्रम जो नहीं होती तो उसकी जगह एक अनदर रिप्लेसमेंट आ जाती है मेजोड्रम की दैट्स नोन एज मेजोग्लिया। वो मेजोड्रम की तरह ही काम करेगी लेकिन वो मेजोड्रम नहीं है, मीन्स जैसे हमने प्लांट किंगडम के अंदर पढ़ा था रूट्स आर प्रजेंट बट नॉट ट्रू कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर है लेकिन लीफ नहीं है, सो हम उसको बोलते हैं फॉल्स रूट और फॉल्स लीफ। तो वी कैन से मेजोग्लिया इज ए फॉल्स मेजोड्रम, ये ट्रू मेजोड्रम नहीं है। आफ्टर दैट द शोन बाय ग्रीन कलर दिस वन इट इज द एंडोड्रम। एंडोड्रम इज द इनर मोस्ट लेयर, मेजोड्रम इज द मिडल लेयर एंड द एक्टोड्रम इज आउटर मोस्ट लेयर। ऑल थ्री लेयर्स आर प्रजेंट सो वी कैन से एनिमल इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, जहाँ थ्री जम लेयर्स प्रजेंट होंगी, जहाँ थ्री जम लेयर्स प्रजेंट होंगी ट्रिप्लोब्लास्टिक, जहाँ सिर्फ दो प्रजेंट होंगी दैट इज डिप्लोब्लास्टिक। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट द जम लेयर्स एंड द लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू दीज जम लेयर्स अरेंजमेंट। द सेकेंड वन इज द एनिमल बॉडी प्लान कि एनिमल्स की बॉडी है उसकी प्लानिंग कैसे है कि बॉडी किस टाइप की है। देखो अगर सेल एग्रीगेटेड प्लान कि सेल्स आपस में जुड़ी हुई हैं, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, मैंने वहाँ भी बताया था सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि सबसे सिंपल है
ओनली सेल्स आपस में जुड़ी हुई होंगी लेकिन नॉट एक्ट एज टिश्यू, एवरी सेल परफॉर्म ए सिंगल फंक्शन। तो सेम वही बात यहाँ है कि इंक्लूडिंग सिंपलेस्ट एनिमल टाइप्स स्पॉन्जेज के अंदर होगा। एनिमल इज मेड अप ऑफ एग्रीगेशन और कलेक्शन ऑफ सेल्स, कि सेल्स वो एग्रीगेट एक जगह इकट्ठा हो गई या उनका कलेक्शन हो गया। टिश्यू एंड ऑर्गन एबसेंट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि टिश्यू एंड ऑर्गन आर एबसेंट बिकॉज दिस इज ए सेल एग्रीगेटेड प्लान। नो नर्वस सिस्टम, कि नर्वस सिस्टम है वो भी नहीं होगा। एग्जाम्पल इज फाइलम पोरीफेरा, स्पॉन्जेज के अंदर सेल एग्रीगेशन मिलेगी। एवरी जो एक सिंगल सेल है वही सर्कुलेशन करेगी, वही रेस्पिरेशन करेगी, उसी के अंदर डाइजेशन होगा। द नेक्स्ट विल बी द सेकेंड वन, द बॉडी प्लान, द ब्लाइंड सैक। देखो ब्लाइंड सैक का मतलब एक पाउच लाइक बॉडी होगी विद सिंगल ओपनिंग, आगे जाके वो बंद हो जाएगी, इसलिए हम बोल रहे हैं ब्लाइंड सैक। ये स्लाइटली कॉम्प्लेक्स एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर शो होते हैं, नाइडेरियंस के अंदर। इसके अंदर होता क्या है बेसिकली, इट हैविंग ए सिंगल ओपनिंग। इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, सिर्फ सिंगल ओपनिंग होगी, बॉडी के अंदर एक ही ओपनिंग है, एक्ट एज माउथ एंड एनस, जो माउथ की तरह भी काम करेगी और एनस की तरह भी, उसी से फूडों का इनटेक होगा, उसी से फूड का एक्सेल होगा, वी कैन से एलिमिनेशन होगा, कि उसी से फूड है वो कैप्चर करेगा, उसी से वेस्ट को रिमूव आउट करेगी। हैंस इंजेशन एंड डाइजेशन, सो बेसिकली यहाँ क्या होगा कि जो इंजेशन और डाइजेशन है वो दोनों एक ही ओपनिंग से होंगी और दैट्स नोन एज ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। जो ब्लाइंड और प्लेन लाइक है वो इस तरह का होगा। देखो जो फर्स्ट वन है ये ब्लाइंड वाला केस है, ब्लाइंड वन, दिस इज द सिंगल ओपनिंग फॉर इनटेक ऑफ द फूड एंड फॉर द रिमूवल ऑफ द फूड, कि फूड एक ही ओपनिंग से एंटर होगा और उसी ओपनिंग से जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से बाहर चला जाएगा, तो दैट द ब्लाइंड सैक। दिस वन इज ट्यूब, द लास्ट वन ट्यूब लाइक इट हैज टू ओपनिंग विद द ट्यूब विद इन अ ट्यूब, कि बॉडी कैविटी के अंदर अनदर एक, देखो बॉडी कैविटी जो है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उसी के अंदर अब दो ओपनिंग है, दो ओपनिंग दिस वन एंड दिस वन, एक है वो एनएस की तरह काम करेगी और दूसरी है वो माउथ की तरह। तो अगर माउथ और एनएस दोनों प्रजेंट हैं तो इट्स ए ट्यूब बॉडी प्लान, टू ओपनिंग द गट, जो हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसकी दो ओपनिंग होगी, माउथ एंड एनएस। तो दिस इज द सेकेंड डिवीजन, द बॉडी प्लान। बॉडी प्लान जो थर्ड वन है उसमें फर्स्ट है एडवांस एंड इवोल्व एनिमल, जो एडवांस मीन्स जैसे हम पोरीफेरा से मैमल्स तक आएंगे या कोर्डेट तक आएंगे हम, तो एडवांस होता जाएगा लेवल जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो एडवांस होगा। जैसे हमने प्लांट किंगडम के अंदर पढ़ा था, फर्स्ट एल्गी से स्टार्ट किया था हमने, फिर हायर हम एंजियोस्पर्म्स के अंदर आए थे, उसी तरह से हम यहाँ स्टार्ट करेंगे पोरीफेरा से और सबसे हाइएस्ट जो कैटेगरी होगी वो है कोर्डेट, कोर्डेट के अंदर फिर फर्दर डिविजन्स आते हैं। एंड द मोस्ट इवोल्व इज द मैमल्स। सेकेंड डाइजेस्टिव ट्रैक हैविंग टू सेपरेट ओपनिंग्स, माउथ एंड एनस, कि दो टाइप की ओपनिंग है, एक माउथ है एक एनस है। ये फाइलम एनिलिडा से स्टार्ट होगा और टिल कोर्डेट, जो कोर्डेट है उस तक इसको कैरी आउट करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द बॉडी प्लान। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सिमेट्री ऑफ द बॉडी, कि बॉडी किस तरह से अरेंज है, बॉडी का प्लेन कैसा है, कि हम बॉडी कट करें तो किस टाइप की सिमेट्री ऑर्गेनाइजेशन है वो किस टाइप का शो होगा उसके अंदर। सो थर्ड वन इज बॉडी सिमेट्री, सॉरी
द बॉडी सिमिट्री मीन्स, सिमिट्री का मतलब होता है शेप साइज नंबर ऑफ पार्ट्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ मीडियल लाइन, कि जो बॉडी की जो मीडियल लाइन है द सेंटर पॉइंट जो है बॉडी का उसके दोनों साइड बॉडी की शेप एंड साइज कैसी है उसको बोलते हैं सिमिट्री। देखो अगर कोई इक्वल थिंग है हमारे पास, कोई भी ऑब्जेक्ट बिल्कुल इक्वल है, अगर हम उसको सेंटर लाइन मिडल लाइन से कट करते हैं तो इट मस्ट बीन टू इक्वल हाफ। मीडियन लाइन इज द प्लेन थ्रू विच एनिमल कैन बी कट इंटू टू इक्वल हाफ, कि जो मीडियन लाइन है उसके थ्रू अगर हम बॉडी को डिवाइड करते हैं तो इट कट इंटू विट टू इक्वल हाफ, कि वो दो इक्वल हाफ के अंदर डिवाइड होनी चाहिए। अगर इस तरह का नॉर्म्स जो है अगर फॉलो होता है या नहीं होता है उसके बिहाफ पे वी हैव फर्दर क्लासीफाई एनिमल्स। फर्स्ट ए सिमिट्री एनिमल्स, देखो ए वर्ड यूज फॉर एबसेंट, जिसके अंदर कोई सिमिट्री नहीं है, मीन्स जो शेप एंड साइज है वो इक्वल नहीं है। किसी एंगल पे बॉडी का पार्ट बड़ा हो सकता है, किसी अंदर छोटा हो सकता है, शेप एंड साइज है वो डिफरेंट हो सकते हैं। एनिमल्स हुज बॉडी कैन नॉट बी डिवाइड इंटू टू इक्वल पार्ट थ्रू एनी प्लेन, चाहे वो हॉरिजेंटल हो, वर्टिकल हो, एंटीरियर एंड हो, पोस्टीरियर एंड हो, वेंट्रल साइड हो या डोर्सल साइड, किसी भी प्लेन से अगर बॉडी टू हाफ में डिवाइड नहीं होती है तो दैट्स नोन एज एसिमेट्री एनिमल्स। जो पोरीफेरा हैं, स्पॉन्जिस जो हैं, वो एग्जांपल हैं एसिमेट्री एनिमल्स का। सेकंड है इसके अंदर रेडियल सिमेट्री। अगर रेडियल सिमेट्री जो है रेडियली, देखो रेडियली के अंदर क्या होगा कि बॉडी डिवाइड इंटू टू इक्वल हाफ इन मल्टीपल प्लेन्स, कि अलग अलग प्लेन से अगर हम सेंटर लाइन से उसको डिवाइड करें, सेंटर पॉइंट पे को हम सेंटर में कैरी आउट करके किसी भी प्लेन में अगर बॉडी को डिवाइड करते हैं तो बॉडी डिवाइड इंटू टू इक्वल हाफ। ऑल द कट्स पासिस थ्रू द सेंटर एंड अपीयर लाइक रेडियाई, जैसे एक सर्कुलर रिंग के अंदर रेडियस होता है, उस रेडियस के थ्रू हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, तो उसी तरह से अगर दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाती है बॉडी तो दैट्स नोन एज रेडियली सिमिट्री सिमिट्रिकल, और वी कैन से दे आर रेडियली सिमिट्रिकल एनिमल्स। एग्जाम्पल जो इसके अंदर है हाइड्रा, स्टार फिश, सी एनिमल्स, यानी मोलस्का के अंदर, सॉरी सिलेंट्रेट्स के अंदर ये होता है। नेक्स्ट वी टेक एग्जाम्पल ऑफ अनदर, थर्ड वन इज द बाइलेटरल सिमिट्री। द थर्ड वन इज बाइलेटरल सिमिट्री। बाई मीन्स टू, बॉडी डिवाइडेड लेटरली, यानी लेटरली का मीनिंग है कि बॉडी दो पार्ट्स में डिवाइड होगी सिर्फ एक सिंगल प्लेन के अंदर, कि एनिमल कैन बी डिवाइड इंटू टू इक्वल हाफ बाई वन सिंगल मीडियन प्लेन, कि सेंटर लाइन से किसी एंगल से हम उसको कट करेंगे तो वो एक ही प्लेन ऐसा होगा जिसमें बॉडी दो पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी, अनदर प्लेन में बॉडी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगी, दैट्स नोन एज बाइलेटरल सिमेट्रिकल। और बाइलेटरली एनिमल्स फॉर एग्जांपल फिश, फ्रॉग, गोट, ये कॉमन एग्जांपल्स। नाउ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम वी विल डिस्कस अबाउट दीज सिमेट्रीज। दिस वन इज द थ्री डिफरेंट एग्जांपल्स। फर्स्ट एसिमेट्री, अगर हम इसको इस प्लेन में डिवाइड करते हैं फ्रॉम दिस वन, सो वी कैन से नॉट टू इक्वल हाफ, इफ यू गोइंग थ्रू दिस प्लेन नॉट इक्वल, नॉट हेयर आल्सो, नॉट लाइक दिस, तो इन एनी प्लेन बॉडी कैन नॉट बी डिवाइड इंटू टू इक्वल हाफ। अगर हम इसको किसी भी प्लेन में कट करके देखें तो बॉडी किसी भी उसमें हाफ में डिवाइड नहीं होगी, किसी भी प्लेन में टू इक्वल हाफ नहीं आएंगे। अब तो नेक्स्ट रेडियल सिमेट्री के अंदर जो है, देखो ये एक एग्जाम्पल लिया था, पहले हमने इसको इस तरह से कट किया तो बॉडी टू हाफ में डिवाइड हो गई, इस तरह से किया तो भी बॉडी टू हाफ में डिवाइड हो जाती है, और इस तरह से भी, तो यहाँ अलग, लेकिन यहाँ जो मेन जो इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि ऑल दीज क्रोसेज आर हेयर एट द सेंटर लाइन, कि जो सेंटर लाइन है मीडियल लाइन सेंटर पॉइंट उसके अंदर से क्रॉस होते हुए अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो बॉडी डिवाइड इंटू टू इक्वल हाफ।
Now we discuss about the bilateral. For example, goat. If we cut the dog from these two sides, is the result equal to half? क्या result दो equal half में आएगा? नहीं. और हम इस तरह से divide कर दे तो इस तरह भी body दो parts में divide नहीं होगी. We can divide the body into two equal half. Only this one head to this one. इस तरह का जो plane है, इस वाले plane में हम इसको equally divide कर सकते हैं. ये जो भी प्लेन है इसमें डिवाइड नहीं होगा, ओनली दिस विल बी. अगर हम हमारी बॉडी के अगर इक्वल हाफ डिवाइड करना चाहें ह्यूमन बॉडी का, तो वी हैव टू कट ए मार्जिन फ्रॉम हेड क्रॉसिंग द नेक रीजन, द नेक एंड द बॉडी सेंटर लाइन. अगर हम बॉडी को सेंटर लाइन से कट करते हैं तो बॉडी डिवाइडेड टू टू इक्वल हाफ. वन हाफ हैविंग वन आई, वन नोज, नेचुरल ओपनिंग, वन ईयर, वन हैंड एंड वन लेग एंड सेम एज अनदर हाफ. इफ वी कट अवर बॉडी एट द स्टमक लाइन, द अपर पोर्सन हैविंग हैड टू हैंड्स एंड द शोल्डर चेस्ट रीजन एंड द रिमेनिंग लोअर पार्ट इज ओनली लेग्स. सो इन द बायलेटरल ओनली विद ए मीडियन प्लेन, कि किसी एक प्लेन में ही बॉडी है वो डिवाइड होगी. तो दिस इज ऑल अबाउट द थर्ड क्राइटेरिया ऑफ द क्लासिफिकेशन, दैट इज सिमेट्री. सो हियर वी डिस्कस अबाउट द फोर्थ क्राइटेरिया, दैट इज सिलोमेट और द बॉडी कैविटी. हियर वी हैव थ्री डिफरेंट डायग्राम्स. फर्स्ट वन इज एसिलोमेट, सुडोसिलोमेट एंड सिलोमेट. देखो यहाँ जो आउटर लेयर है, दिस लेयर एक्टोड्रम, उसके बाद मेजोड्रम और उसके बाद वो येलोविश लाइन जो है दैट हैविंग एंडोड्रम. यहाँ लेयर्स के बीच में कोई भी गैप नहीं है, मीन्स लेयर्स के बीच में कोई कैविटी नहीं है, सिर्फ गट जो डाइजेस्टिव कैविटी है सिर्फ वही प्रजेंट है. सो दिस इज नोन एज ए सिलोमेट. और ए सिलोमेट टाइप की जो कैविटी है वो प्रजेंट होती है फ्लैट वर्म्स के अंदर, फ्लैटी हेलमिंथस के अंदर. एग्जाम्पल है फ्लैट वर्म्स. सेकेंड केस में देखो यहाँ सेम है, द एक्टोड्रम एंड द मिजोड्रम आर सेम, दोनों के बीच में कोई कैविटी नहीं है, लेकिन एट द टाइम After the mesoderm here, this one is the cavity that is colored by blue. It is the cavity between endoderm and the gut है. तो इसको फिर से show कर देता हूँ. देखो यहाँ जो white line है, यहाँ आउटर मोस्ट लाइन जो है ये वाली, ये एक्टोड्रम है, ये मेजोड्रम, उसके बाद इसमें कैविटी आ गई, लेकिन वो कैविटी मेजोड्रम से लाइन नहीं है, कवर नहीं है. अगर वो मेजो लाइन जो है, कैविटी जो है, अगर वो मेजोड्रम से कवर नहीं है तो इट मीन्स इट इज़ ए सूडो टाइप सिलोमेट. जो कैविटी है वो सूडोमेट है, उसके अंदर यहाँ जो सेल्स प्रेजेंट होंगी वो सूडो टाइप की होंगी, फाल्स टाइप की, वो एक्चुअल कैविटी को शो नहीं करेंगी. सो दिस इज नोन एज सूडोसिलोमेट एंड नोन एज, और ये एग्जांपल है राउंड वर्म्स का. राउंड वर्म्स के अंदर जो है वो सूडोसिलोमेट्स का एग्जांपल देखने को मिलता है, टाइप की जो कैविटी है वो शो होती है. एंड द थर्ड वन इज this one, this one outer layer is same ectoderm, mesoderm, and between mesoderm के दो mesoderms का जो structure है, mesoderm और endoderm, अब वहाँ cavity वहाँ नहीं है, cavity present है
इनसाइड द मेजोड्रम, ये जो सेल्स हैं इसके अंदर, ये वाली जो कैविटी है वो मेजोड्रम के अंदर है। कि कैविटी की दोनों साइड क्या होंगी, मेजोड्रमल सेल्स होंगी। यहाँ क्या था, सिर्फ कैविटी की वन साइडेड मेजोड्रमल सेल्स थी, ठीक है ना। और अगर हम यहाँ अगर कंपेयर करें इस वन के साथ, तो यहाँ कोई भी कैविटी नहीं है, यहाँ से यहाँ तक कोई भी कैविटी नहीं थी, यहाँ सिर्फ ये वाली कैविटी थी जो डाइजेस्टिव कैविटी है। एज कम्पेयर टू हेयर, दो कैविटी आ गई अब यहाँ, लेकिन वो सिर्फ एक साइड से मेजोड्रम से कवर है, सिर्फ इस वाली साइड से, इधर कोई मेजोड्रमल सेल्स नहीं है। सो नोन एज सूडोसिलोम, द फॉल्स कैविटी। एंड इन द लास्ट ऑप्शन, द लास्ट स्ट्रक्चर, वी हैव सीन दैट इट द कैविटी इज कवर्ड बाई मेजोड्रमल सेल्स। जो मेजोड्रमल सेल्स हैं वो उसको कवर कर रही हैं, और ट्रू कैविटी है, दैट्स नोन एज सिलोमेट। एग्जाम्पल मोलस्का, एनिलीड्स, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मेटा, कोडेट्स। कोडेट्स में मैमल्स, एव्स, रेप्टाइल्स, फिशेज, एम्फीबियंस आर देयर। सो दिस इज ऑल अबाउट द बॉडी सीलोम और द बॉडी कैविटी। दिस इज द रिटन बाय द हेल्प ऑफ डायग्राम वी हैव अंडरस्टैंडिंग दैट द वट इज द टाइप ऑफ सीलोम आर देयर, हाउ द सीलोम इज परफॉर्म और द डेवलप। बॉडी कैविटी द स्पेस बिटवीन द, देखो यहाँ स्पेस बिटवीन द, स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल, की बॉडी वॉल यानी जर्म लेयर्स, एक्टोड्रम, एंडोड्रम, मेजोड्रम के बीच में जो स्पेस है, एंड द एलिमेंट्री कैनाल, और इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, प्रोड्यूस बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मेजोड्रम, की मेजोड्रम स्प्लिट हो गई, टूट गई ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इसके बिहाव पे जो कैविटी बनेगी दैट्स नोन एज बॉडी कैविटी। तो बेसिकली बॉडी कैविटी कहाँ बनेगी, एलिमेंट्री कैनाल और मेजोड्रमल के बीच में। फर्स्ट एसिलोमेट की कोई बॉडी कैविटी नहीं होती, जो एलिमेंट्री कैनाल है बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल, उसके बीच में पैरेन्काइमस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। एग्जांपल है प्लैटीहेलमिंथस फ्लैटवर्म, ये फाइलम है। सेकंड वन है सूडोसिलोमेट्स फॉल्स, शो ए फॉल्स बॉडी कैविटी, वहाँ मेजोड्रमल सेल्स होंगे लेकिन वो पैचेज में प्रेजेंट होंगी, कम्प्लीटली कवर नहीं करेंगी, सो इट्स नोन एज सूडो फॉल्स बॉडी कैविटी। द फॉल्स कैविटी इज कॉल्ड सूडोसील, सूडोसील मीन्स फॉल्स कैविटी। एग्जाम्पल जो है वो है एस्क्लेहेलमिंथस राउंड वर्म्स के अंदर, एंड द थर्ड वन इज सिलोमेट। द सिलोमेट एनिमल हैविंग ए ट्रू बॉडी कैविटी, हमने वहाँ पढ़ा था कि आउटर लेयर, उसके बाद इनर वन, फिर दिस वन, एंड दिस द गट। तो इस टाइप की लेयर, तीनों लेयर्स प्रेजेंट होंगी लेकिन उनके बीच में जो कैविटी है दैट्स नोन एज ट्रू बॉडी कैविटी। प्रेजेंट इन ट्रिप्लोब्लास्टिक, देखो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, थ्री जर्म लेयर्स, कि जो थ्री जर्म लेयर्स हैं वो प्रेजेंट होंगी, तभी तो दो तीन लेयर्स हों, तो है एंडो एक्टो मिजो, उसके बीच में कैविटी बनेगी। मिजोड्रम स्प्लिट्स इनटू टू लेयर्स, कि जो मिजोड्रम है वो टू लेयर में स्प्लिट हो जाएगी टू फॉर्म ए बॉडी सीलोम, एंड द कैविटी इज फिल्ड विद दिस लिक्विड दैट्स नोन एज सीलोमिक फ्लूड। सो इफ द क्वेश्चन इज दैट वेयर इज द सीलोमिक फ्लूड इज प्रेजेंट, वी कैन से इन द सीलोम कैविटी, और बाई विच फ्लूड द सीलोम इज फिल्ड विद द सीलोमिक फ्लूड। इन सम एनिमल्स, यहाँ कुछ एक्सेप्शन हैं, स्पेशल केस हैं, जहाँ सीलोम है वो सीलोमिक फ्लूड की रिप्लेसमेंट जो है उससे फिल्ड होगा। रिप्लेसमेंट किससे होगी, ब्लड से,
क्रियोसिलोम है वो ब्लड से फिल्ड होगा एंड दे नोन एज हीमोसील, हीमो इज वर्ड फॉर ब्लड। अगर सिलोमिक कैविटी के अंदर, बॉडी कैविटी के अंदर अगर ब्लड प्रेजेंट है दैट्स नोन एज हीमोसील। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्राइटेरिया टू बी यूज फॉर द डिवीजन ऑफ द और द क्लासिफिकेशन ऑफ द होल एनिमल्स इनटू वेरियस ग्रुप्स द फाइलम्स। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट विद द नेक्स्ट क्राइटेरिया दैट इज बॉडी सेगमेंटेशन, कि बॉडी की कितने सेगमेंट्स में डिवाइड है या कंप्लीट है, सेगमेंट्स वो इंटरनली है या एक्सटर्नली है, बॉडी अंदर से भी डिवाइड है या ओनली बाहर से डिवाइड है। तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं, उसके बारे में कल डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। और वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट ग्रुप ऑफ एनिमल किंगडम दैट इज फाइलम पोरीफेरा। एग्जाम्पल स्पॉन्जिज हैं, कल हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू।